Welcome to my reading session. This is Vahid Anthony. We are going to read from the Gospel written by Matthew chapter 14 and verse 1st. John the Baptist beheaded. Whenever you read the heading English newspaper, या सुना हो उसमें तो हेडिंग में जो फंक्शनल वर्ड्स होते हैं उनको लिखा नहीं जाता मिसाल के तौर पर अगर इस जुमले को पूरा लिखा जाता जॉन द बैप्टिस्ट वॉज बी तो लिखा जाना था वॉज बी के उसका बी हैड बी का मतलब होता है कि उसका सर कलम करना सर कार्ड देना बी तो यहाँ पे फंक्शनल वर्ड्स होते हैं उनको आ, नहीं लिखा जाता जैसे प्रपोजिशन होती हैं या हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं एट दैट टाइम एट दैट टाइम उस वक्त हेरड हेरस द टेटरार्क टेटरार्क किसे कहते हैं टेटरार कहते हैं किसी भी मुल्क के चौथे हिस्से का जो मालिक होता है उसको टेटरार कहते हैं चौथे हिस्से का जो मालिक है या रईसे रुबा कैथलिक बाइबल में लिखा हो रईसे रुबा यानी कि चौथे हिस्से का जो मालिक है Heard, सुना द रिपोर्ट अबाउट जीजस जब उसने यसुमसी के बारे में सुना यसुम सी की शोरत के बारे में सुना एंड सैड टू ही सर्वेंट्स और उसने अपने नौकरों को कहा दिस इज योहन्ना इस्तबागी है यानी कि योहन्ना जो बाप्टिस्टमा देने वाला था ये वही है ही इज रिजन अच्छा ये लफ्ज राइज से निकला है राइज का मतलब होता है उठना जी उठना उभरना लेकिन जब ये इसकी थर्ड फॉर्म लगी है तो राइज से ये राइजन नहीं इसको पढ़ेंगे रिजन पढ़ेंगे वो जी उठा है फ्रॉम द डेड यानी कि वो मुर्दों में से जी उठा है एंड देर फोर दीज पार्ट आर एट वर्क इन हिम और इसी वजह से देर फोर इसी वजह से ये कुदरत उसमें काम कर रही है ये एक इंग्लिश बाइबल लिखा हुआ है कि दीज मैकल वर्क्स यानी कि ये जो मौजाना काम है मौजाना पावर जो है ये उसमें काम कर रही है क़वत काम कर रही है वर्स थ्री फार क्योंकि हेरोड हैड लेड होल्ड ऑफ जॉन हेरोड जो Herodis था, उसने जॉन को योहन्ना को पकड़ा था एंड बाउंड हिम और उसे बांधा हुआ था एंड पुट हिम इन प्रिजन और उसे कैद में डाला सेक ऑफ हरोदियास हेरदियास की वजह से फॉर द सेक की वजह से रोदियास की वजह से उसको आ, कैद में डाला था हिज ब्रदर फिलिप्स वाइफ जो उसके भाई की फिलप की बीवी थी अब किसके भाई की हैरोदीस हेरोदीस का जो भाई फिलप था उसकी बीवी का अफेयर जो था वो हैरोदीस के साथ था और आ, इसी वजह से इसी की वजह से उसने उसको पकड़वाया था योहन्ना को बिकॉज जॉन हैड सेम क्योंकि योहना ने उसे कहा था इट इज नॉट लॉफुल क्योंकि ये जायज़ नहीं है फॉर यू तुम्हारे लिए टू हैव हर कि तुम उसे अपने पास रखो ये तुम्हारे उसे पास रखना रवा नहीं है एंड ऑल दो ही वॉन्टेड टू पुट हिम टू डेथ अगरचे वो उसको कैद में डालना चाह सॉरी oh, अगरचे वो उसको मारना चाहता था ही फियर द मल्टीट्यूड और वो हजूम से डरता था लोगों से डरता था बिकॉज दे काउंटेड हिम एज अ प्रॉफिट क्योंकि वो उसे नबी मानते थे वो उसे नबी तस्वर तो करते थे विक्स बट वेन हैरोड्स बर्थडे वॉज अ सेलिब्रेटिड ये पास्ट इन डेफिनेट का पैसीवाइज वॉज अ सेलिब्रेटेड जब हैरो की सालगिरह मनाई गई द डॉटर ऑफ हेरियास डांसड तो हैरोदियास की जो बीवी थी उसने उसनेस की जो बेटी थी वो नाची बिफोर दैम उनके आगे एंड प्लीज को खुश किया Therefore, चुनाचे ही प्रोमिस्ड उसने वादा किया विद एन ऑथ कसम खाकर वादा किया टू गिव हर वेवर शी आस्क कि जो कुछ वो मांगेगी वो उसे देगा ये यहां पे शी मे आस्क मे से माइट इस वजह से बना क्योंकि पीछे पास्ट टेंस यूज हो रहा है तो माइट मे जो है शी मे आस्क मे जो है वो यहाँ पे इजाजत को भी जो है वो शो कर रहा है कि उसने उसको इजाजत दी कि जो भी तू मांगेगी तुझे मिलेगा सो शी हैविंग प्रॉम्प्टेड बाय हर मदर कि उसकी माँ ने उसे प्रॉम्प्ट किया उसकी माँ ने उसे सिखाया सिखाने पर से गिव मी जॉन द बेपटिस्ट हेड मुझे जॉन इस बागी का सर चाहिए हेरोना प्लाटर मुझे एक थाल में मुझे थाल में जो है वो योना इस थाबागी का सर चाहिए वर्स 9 एंड द किंग वाज सॉरी और भाषा को दुख हुआ नेवर नेवरथलेस इसके बावजूद बिकॉज ऑफ द ऑथ्स कसम की वजह से एंड बिकॉज ऑफ दोज और उनकी वजह से हु सेट विद देम जो उसके विद हिम जो उसके पास बैठे थे जो उसके साथ बैठे थे ही कमांडेड इट उसने हुक्म दिया टू बी गिवन टू हर के वो से दे दिया जाए ट so एंड उसने भेजा एंड हैड जॉन बी हैडेड इन फ्रीजन और जॉन और योहन्ना का सर जो है वो स, स, आ, कलम करवा दी अब यहां पर एंड ही सेंट और उसने भेजा एंड हैड जॉन बी है ही इस दोनों फिक्रों में फर्क हैडेड का मतलब है कि उसने करवाया बिहेड करवाया उसका सर कलम करवाया और अगर आता कि ही हैड बीहेडिड जॉन तो इसका मतलब होता है कि उसने सर कलम किया तो यहां किया नहीं उसने करवाया है एंड हिज हेड वॉज ब्रॉड और उसका सर लाया गया ऑन अ प्लाटर थाल में एंड गिवन टू द गर्ल और लड़की को दिया गया एंड शी ब्रॉड इट टू द हर मदर और उसने से अपनी माँ को दिया देन दिस Then his disciples came, Piruske Shagir Dai, and took away the body or Jisamko Uske Jisamko Leah and buried it or said Dafnaya and went and told Jesus or Jaka Jesus Yeshuko Bataya. Feeding the five thousand. Verse thirteen. Verse thirteen. When Jesus heard it, Jab Yasunesuna, he departed from there Vovase hua by boat, Kashti Kesri, to a deserted place. deserted place uh, वीरान जगह की तरफ रवाना हुआ by himself मतलब वो खुद ही गया बट व्हेन द मल्टीट्यूड हर्ड इट लेकिन जब हजूम ने सुना दे फॉलोड हिम उन्होंने उसको उसका पीछा किया ऑन फुट वो पैदल ही उसके पीछे गए फ्रॉम द सिटीज शहरों से एंड व्हेन जीसस वेंट आउट और जब जीसस येशु बाहर गया ही सॉ अ ग्रेट मल्टीट्यूड उसने एक बड़ा हजूम देखा एंड ही वाज मूवड विद कंपैशन फॉर देम और उसको उन पर बहुत तरस आया

मल्टीट्यूड टू सिट डॉन ऑन द ग्रास फिर उसने हजूम को हुक्म दिया कि वो घास पर बैठ जाएंगे उसने, उसने बरकत दी और तोड़ा एंड गेव द लॉब्स टू दिसपल और शिर्दों को रोटियां दी एंडल गेव टू टू द मल्टीट और शगिर्दो ने हजूम को दी शो दे ऑल एट उन सब ने खाया एंड वो फिल्ड और वो उनका पेट भर गया वो सब खाकर शेर हुए या वो खाया और उनका पेट भर गया या शेर हुए एंड दे टुक अप ट्वेल्व बास्केट्स फुल ऑफ फ्रेगमेंट्स तो उस उन्होंने बारह भरी हुई टोकरियां फ्रेगमेंट टुकरों की उठाई दैट रिमेन्ड जो बची नाउ दो अब वो जिन्होंने खाया था वर अबाउट फाइव थाउजेंड मैन तकरीबन पांच हजार आदमी थे बिसाइड विमेन एंड चिल्ड्रन औरतों और बच्चों के अलावा बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा और एक बिसाइड अगर एस काट दें बिसाइड का मतलब होता है साथ ही सिटिंग बिसाइड मी यानी कि वो मेरे साथ बैठा है यहां पर बिसाइड्स का मतलब है अलावा औरतों और बच्चों के अलावा इमीडिएटली फॉरन जीज मेड हिज डिसाइबल्स गैड इन टू द बोर्ड यसु ने अपने शिगिर्दों को कश्ती में बिठाया अब यहाँ पे मेड मेक की सेकेंड फॉर्म तो किसी को काम करवाना जीजस मेड हिज डिस अपने शिगिर्दों को क्या किया गैड इन टू द बोर्ड कश्ती में बिठाया एंड गो बिफोर हिम और उनके आगे चला टू दर साइड दूसरी तरफ वाइल ही सेंट द मल्टीट वबके उसने हजूम को भेज दिया मल्टीट्यूड वे जब उस, वो जिनको भेज चुकाउंटेन बाई हिमसेल्फ टू प्रे तो वो पहाड़ पर गया दुआ करने के लिए नौ वेन इवनिंग जब शाम हुई लॉन्ग देर वो वहां अकेला था बट द बोट वॉज नाउ इन द मिडल ऑफ द सी लेकिन कश्ती जो थी वो झील के दरम्यान में थी यहाँ पे सी समंदर को जाहिर नहीं करता यहाँ पे सी का मतलब झील है क्योंकि सी के ये भी मतलब है झील भी मतलब है इसका. By the waves, कश्ती डगमगा रही थी. For the wind was gone, क्योंकि मुखालिफ थी. क्योंकि हवा अब रात की चौथी घड़ी जीसस वेंट टू देम उनके पास गया वॉकिंग ऑन द सी झील पर चलते हुए एंड वेन दिसाइपल सॉ हिम और जब शिगिर्दो ने उसे देखा वॉकिंग ऑन द सी झील पर चलते हुए देवर ट्रबल्ड तो वो परेशान हुए saying, कहते हुए इट इज अ गॉस्ट क्या है ये तो भूत है एंड दे क्राइड आउट फॉर फियर और वो डर से चिल्लाए बट इमीडिएटली जीजस उनसे बोला उनसे बात की बी ऑफ गुड जमा रखो इट इज आई ये मैं हूं डू नॉट बी अफ्रेड डरो मत एंड पीटर आंसर पीटर ने, ने उसे जवाब दिया लॉर्ड इज यू अगर ये तुम हो कमांड भी मुझे हुक्म दो टू कम टू यू ऑन द वाटर कि मैं भी तुम्हारे साथ पानी पे आऊं सो ही सेड उसने कहा कम आओ एंड व्हेन पीटर हैड कम डॉन आउट ऑफ द बोर्ड जब वो कश्ती से उतरकर पानी में आया पतरस ही वॉकड ऑन द वाटर तो वो पानी पर चला टू गो टू जीसस यीशु के पास जाने के लिए बट व्हेन ही सॉ लेकिन जब उसने देखा दैट द विंड वाज बोर्सस कि हवा जो है वो बड़ी Uh, तेज है ही वॉज अ फ्रेड तो वो डरा एंड बिगनिंग टू सिंक और डूबने लगा ही क्राइड आउट वो चिल्लाया लॉर्ड सेव मी मुझे बचा ले चिल्लायानीटली और फॉरन चीज इज आउट हिज हैंड यू ने अपना हाथ बढ़ाया एंड कॉट हिम और उसे पकड़ा एंड सेट टू हिम और उसे कहा ओ यू लिटिल फाइथ ए कम इतकाल वाय डिड यू डाउट तुमने शक क्यों किया अच्छा एक बात याद रखिएगा कि पतरस जो है वो पानी पे चलना शुरू कर दिया था उसने वो चला था पानी पे लेकिन डूबा तब था जब शक आया। हैव डाउट एंड व्हेन दे गॉड इनटू द बोट और जब वो कश्ती में दाखिल हुए द विंड सीज्ड तो हवा रुक गई देन हु वर इन द बोट जो कश्ती में थे केंग आए एंड वो हिम और उसे सजदा किया सेंगे कहते हुए ट्रूली यू आर ऑफ गॉड कि तुम खुदा के बेटे हो वर्स दूसरी तरफ चले गए वो के में आए एंड वेन द मैन ऑफ दैट प्लेस हिम और उस जगह के लोगों ने जब उसे पहचाना रिकग्नाइज पहचाना द सेंट आउट इन टू ऑल दैट सराउंडिंग रीजन उन्होंने सारे इलाका जो आसपास का इलाका था वहां खबर पहुंचा दी ब्रॉड टू हिम ऑल और उन सब को ले आए हुख जो बीमार थे एंड बैड और उससे अल्तजा की दैट दे माइट ओनली टच हेम ऑफ इस गारमेंट कि वो अगर उसके सिर्फ हेम होता है जो पल्ला जो होता है किनारा जो होता है उसकी पोशाक का किनारा अगर वही छू लेंगे तो वो कहता है कि हमें वो ही छूने दे वो लोग लोगों ने अल्तजा की कि हमें किनारा जो है अपने पल्ला अपने पोशाक का किनारा ही हमें छू लेने दे एंड एज मैनी जितनों ने उसको छुआ इट वर मेड परफेक्टली वेल वो तमाम ठीक हो गए वो शिफा गए जी हाँ जीसस जो कल आज बल्कि अब तक यकसा है वो कल भी शिफा देते थे आज भी शिफा देते हैं क्योंकि वो जिंदा है प्लीज शेयर इट आ, ये नीचे एक बटन है शेयर का इसको शेयर करें ताकि आप इसके वसीला से ब्लेस हो सकें आपको ब्लेसिंग मिले कलाम जो है आप जो मेरा काम था वो मैंने किया जो आपका काम है वो आप करें इसको शेयर करें इस वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और बहुत से ऐसे लोग जो नहीं सीख सकते वो घर में बैठ के इस वीडियो के जरिए से इंग्लिश को सीख सकें और कलाम मुकदस को भी सीख सकें थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू